देखिए इधर अंजू हिंदुस्तान वापस आई है तो उधर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आकर ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा से शादी करने वाली सीमा हैदर के पहले पति गुलाम हैदर सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस आ गए हैं। अब वे पाकिस्तान में सरकार से अपनी पत्नी को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। तो देखिए अंजू यहां से पाकिस्तान गई लेकिन पाकिस्तान से हिंदुस्तान आकर ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा से जो शादी करने वाली हैं वो अब जो है उनके जो पति हैं वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और लगातार वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान सरकार से कि वो अपनी पत्नी को वापस चाहते हैं। मैं गुलाम हैदर हूँ, जिगमा बात कर रहा शी हूँ, कराची में तवील अरसा रहा, बीवी बच्चों को छोड़कर मुलाजमत के लिए जॉब के लिए सऊदी अरब गया था और उसके बाद 10 मई को बच्चों को बीवी लेकर भारत गई, न जाने क्या मसला है। मैं काम काज छोड़ के ये वापस आया हूँ। मेरे वकील ने मुख्तलिफ के इदारे में खत लिखे हैं मगर कोई जवाब अब तक नहीं आया। मैं हुकूमत से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि मैं खुद कुछ नहीं कर सकता इसलिए कि ये दूसरा मुल्क है, दूसरे देश में है, हुकूमत मेरी मदद करें, मेरे बच्चों को वापस करें। मैं बार बार अपील करता हूँ आर्मी चीफ से, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से, वज़ीर आला सिंध से। मैं अपील करता हूँ कि हुकूमत के अधिकारियों को मेरे जो बच्चे हैं मुझे वापस दिलाएं। तो सीमा हैदर के जो पहले पति हैं गुलाम हैदर उन्हें आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि वो सीमा को वापस चाहते हैं। आनंद हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ग्रेटर नोएडा से जहां पर फिलहाल सीमा हैदर रह रही हैं सचिन मीणा के साथ। आनंद क्या कोई रिएक्शन अब तक सामने आया है सीमा हैदर की तरफ से? देखिए अंजू के मसले पर अभी फिलहाल जो उनके वकील हैं एपी सिंह उन्होंने कहा है कि सीमा हैदर कोई भी बात नहीं करेंगी। देखना होगा कि किस वक्त पे आने पर जो है वो सीमा हैदर अंजू पर अपनी प्रतिक्रिया देती है और उनके पति को लेकर भी जो उनके पति ने बयान दिया उस पर सीमा हैदर या उनके वकील का क्या कुछ कहना है। लेकिन जिस तरह से अंजू पाकिस्तान से भारत आई है और अटारी बॉर्डर के जरिए अमृतसर में कल उनसे आईबी और पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस की लंबी पूछताछ हुई है, उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने ईसाई धर्म से पाकिस्तान में जाके इस्लाम धर्म कबूल करा और वहां पे नसरुल्ला से शादी करी और वो टूरिस्ट वीजा पे वहां पे गई थी और अपनी मर्जी से वो वापस आ गई है अपने बच्चों के लिए। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी या पाकिस्तान सरकार ने उन्हें किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया, लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियां तस्दीक करना चाहती है कि क्या अंजू कोई जासूस बनके तो वापस भारत में नहीं आई है, क्योंकि सीमा हैदर का मामला अभी तक लगातार कोर्ट में और जांच एजेंसियों के लिए लंबित है। ऐसे में अगर एक महिला जो भारत की रहने वाली है वो पाकिस्तान जाती है, करीबन 4-5 महीने पाकिस्तान में रहती है और उसके बाद वो एक नाटकीय तौर पर वापस भारत आती है तो इसमें कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, इसलिए आईबी ने लंबी पूछताछ जो है वो अंजू से की थी। ऐसे सवाल है जिनके जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आनंद।